बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा ये फाइनल मैच था जो अलामा इकबाल हाउस और सर सैयद हाउस के दरमियान खेला गया। इसके विनर हैं सर सैयद हाउस, 2-0 से ये मुकाबला जीता है। मेहमान खुसूसी थे जनाब एम कासिम काजी साहब जो प्रिंसिपल हैं इसी इदारे के। सर, आपने ये मैच देखा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जो है इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस साल का जो पहला इवेंट था फुटबॉल चैम्पियनशिप 22-23, इसको बड़े अच्छे तरीके से इनेकाद करवाया। और फिर माशाल्लाह जितने भी हाउसेज हैं हमारे, 4 हाउसेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सारे हाउसेज ने अच्छी स्पिरिट के साथ खेला, जोश और जज्बे के साथ खेला। और खेल में जो है हार जीत होती रहती है, तो एक हाउस ने जीतना होता है, दूसरे ने हारना होता है। तो फाइनल में अलामा इकबाल हाउस और सर सैयद हाउस के दरमियान मुकाबला हुआ, अच्छा मुकाबला हुआ, दोनों टीमों ने अच्छा खेल पेश किया और सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन खेल पेश किया, कोई किसी किस्म का जो है तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ। और मैं इसके साथ साथ रेफरीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो रेफरीज़ आए और उन्होंने हमारी बच्चों के साथ इतना टाइम गुजारा और अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा किया। तो एक टीम में जीतना होता है, रनर अप रही अलामा इकबाल हाउस की टीम और जीतने वाली टीम है जनाब सर सैयद हाउस। तो मैं सर सैयद हाउस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके हाउस मास्टर्स को जनाब मुनीर ताहिर साहब को और असिस्टेंट हाउस मास्टर को भी जो है वही जफर साहब को, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से जो रनर अप हाउस है अलामा इकबाल, उनके हाउस मास्टर हैं जनाब शहजाद साहब, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि बाकी खेल भी इंशाल्लाह इसी नज़्म व नज़्म के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ किए जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। सर, यहाँ गेम्स पहले भी होती थी लेकिन आपने उसको थोड़ा सा वसी किया और भी खेलों का इजाफा किया, स्कूल के बच्चों के भी यहाँ पे, मैं आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।